धार जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 20 बेड का कोविड केयर सेंटर रविवार शाम को प्रारंभ किया गया, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। इसे आवश्यकता पड़ने पर 50 बेड तक बढ़ाया जा सकेगा। बीएमओ आर के शिंदे ने जानकारी देते हुए बताया कि कुक्षी SDM विवेक कुमार के निर्देशन में बाग ब्लॉक की टांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन में 20 बेड वाले पहले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। यहां कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक आदि दवाइयों की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहेगी। अभी 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है और व्यवस्था की जा रही है। 2 मंजिला इस भवन में पर्याप्त जगह है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 50 बेड तक किया जा सकेगा। यहां 3 नर्स व 2 सफाईकर्मी के साथ स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। टांडा में कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है, इसमें सिलेंडर की क्या व्यवस्था है? टांडा में आज से ही कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है। टांडा में DMO बाग से अभी सामूहिक चर्चा अनुसार जो अभी हॉस्पिटल में हमने भी व्यवस्था देखी, अभी फिलहाल पर्याप्त व्यवस्था है ऐसा उन्होंने बताया। ऑक्सीजन की कोई कमी तो यहाँ नहीं है? ऑक्सीजन की यहाँ वर्तमान में अभी कोई कमी नहीं है। फिलहाल अभी हमारे पास 20 बेड की व्यवस्था हो चुकी है और अभी हम कल हमारा प्रयास था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर सामाजिक संस्थाओं, व्यापारियों द्वारा भी मिल जाए, स्वेच्छा से दे दे, तो हमने प्रयास किया। तो आज मुझे टांडा से 5 सिलेंडर मिले हैं जो गाड़ी में दिख रहे होंगे। तो अगर किसी प्रकार की कमी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को लेकर होगी तो हम कुक्षी से करेंगे। ये हमारे SDM साहब श्री विवेक कुमार साहब का पूरा प्रयास चल रहा है कि स्वास्थ्य के नाम पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे, ना टांडा में भी नहीं होने देंगे। वो सतत और मेहनत कर रहे हैं, प्रयासशील है, कोई अव्यवस्था होने की गुंजाइश नहीं रहने देने का प्रयास सतत करेंगे। इस अवसर पर तहसीलदार कुक्षी सुनील डावर, BMO बाग RK शिंदे, जनपद पंचायत CEO योगेंद्र जाट, टांडा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तोमर एवं बाग पटवारी इंद्रजीत सिंह चौहान उपस्थित थे। टांडा से हितेश वर्मा की रिपोर्ट।